हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पर मैंने बनाया एक पावर बैंक। और फ्रेंड्स, ये नॉर्मल पावर बैंक नहीं है, सोलर पावर बैंक है। आप इसे सोलर से भी चार्ज कर सकते हो या फिर मोबाइल का चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट है, यहाँ से आप दो स्मार्टफोन को इजिली चार्ज कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मॉड्यूल का यूज किया, तो ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाते हैं इसका पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो पर दिखाई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें चाहिए पीवीसी पाइप का सीट। और फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले से कटिंग करके रखा था। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए लिथियम आयन बैटरी। और फ्रेंड्स, मैं इधर 5 लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये आपको लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो एक एक बैटरी हमारा 1200 mAh का है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे पास जितना भी है ये सब 1200 mAh करके है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस बैटरी को मैं कुछ इस पकड़ से फिक्स कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इसे फिक्स करने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सारे बैटरी को कुछ इस प्रकार से फिक्स कर दूंगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस प्रकार से सारे बैटरी को फिक्स कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इस बैटरी का कनेक्शन करेंगे। इन सारे बैटरी का पॉजिटिव पिन को एक साथ में इस वायर से सोल्डिंग कर लेंगे और नेगेटिव पिन को भी एक साथ में सोल्डिंग कर देंगे पैरेलल में। और फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सारे बैटरी को पॉजिटिव पिन को एक साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव पिन को भी एक साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं वायर ले रहा हूँ, तो इस वायर को मैं बैटरी का पॉजिटिव पिन पर सोल्डिंग कर दूंगा एक वायर को, और नेगेटिव पिन पर एक वायर को सोल्डिंग कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए पावर बैंक मॉड्यूल। और फ्रेंड्स, देख सकते हो डिस्प्ले मॉड्यूल है और इसमें दो यूएसबी पोर्ट है, एक है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर और एक है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और फ्रेंड्स, इधर एक पुश बटन भी है और ये चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी सॉकेट, और इधर एक टॉर्च के लिए एलईडी भी है। और फ्रेंड्स, देख सकते हो इधर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल को मैं कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे फिक्स करने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लूँगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, बैटरी को भी हम पीवीसी सीट के साथ फिक्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बैटरी पे भी हम ग्लू देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने बैटरी को फिक्स कर दिया। उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव वायर को मॉड्यूल के पॉजिटिव पिन पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वायर को नेगेटिव पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने वायर को मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वायर को भी अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए 5 वोल्ट सोलर पैनल। और फ्रेंड्स, मैं इधर जितना भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और फ्रेंड्स, देख सकते हो पॉजिटिव का कनेक्शन और नेगेटिव का कनेक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक एलईडी बल्ब। और फ्रेंड्स, मैं एक 1K का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। इस रेजिस्टेंस को मैं एलईडी बल्ब के पिन पर कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक डायोड। और फ्रेंड्स, मैं 4007 का डायोड यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इस डायोड का ब्लैक साइड को मैं एलईडी का दूसरा पिन पर सोल्डिंग कर दूंगा और यह है पॉजिटिव का पिन। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको मैं पॉजिटिव सोलर पैनल का पॉजिटिव पिन पर सोल्डिंग कर दूंगा, जो डायोड का पिन था।
उसके बाद फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का पिन को और सोलर पैनल का नेगेटिव पिन को मैं एक वायर से सोल्डिंग कर दूंगा। तो फ्रेंड्स डायोड का जो पिन है वो पॉजिटिव का पिन, वहाँ पे मैं एक पॉजिटिव का वायर सोल्डिंग कर दूंगा और रेजिस्टेंस का पिन नेगेटिव, तो वहाँ पे मैं नेगेटिव का एक वायर सोल्डिंग कर दूंगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये आउटपुट का 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस सोलर पैनल को कुछ इस प्रकार से बैटरी के साथ फिक्स कर दूंगा। तो फ्रेंड्स सोलर पैनल का नेगेटिव वायर को मैं बैटरी के नेगेटिव पिन पर सोल्डिंग कर दिया और पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पिन पर सोल्डिंग कर दिया। और फ्रेंड्स ये रहा इसका कनेक्शन डायग्राम, तो आप देखकर भी इजीली कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा पावर बैंक बन के तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स इधर ग्रीन LED हमारा जल रहा है, तो सोलर से भी चार्जिंग हो रहा है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप मोबाइल का चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो इसे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मोबाइल का चार्जर से भी चार्ज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स डिस्प्ले पर इनसाइन शो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इस पावर बैंक को ऑन करने के लिए इस स्विच को हमें प्रेस करके रखना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गया है। और फ्रेंड्स इस LED टॉर्च को ऑन करने के लिए इस स्विच को डबल प्रेस करना है। और फ्रेंड्स इसे आप टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हो। इस LED का ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। इस स्विच को फिर से डबल प्रेस करेंगे तो LED ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा पावर बैंक बन के तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम फोन चार्ज करके देखेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये चार्जिंग हो रहा है। और फ्रेंड्स ये जो फोन है 5V 1A से चार्ज हो रहा है, डिस्प्ले पे शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद मैं एक स्मार्टफोन को चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये चार्जिंग हो रहा है। और फ्रेंड्स इस पावर बैंक से आप 2 स्मार्टफोन को इजीली चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका मेकिंग प्रोसेस मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश किया, तो आप भी इसे घर पर इजीली बना सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल बनना है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।